ओह हे गाइस एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज के इस वीडियो में भाई डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे उनके सिबलिंग्स को एडमिशन कराना है SOLDU में, तो SOLDU के एडमिशन फाइनली कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज मैं उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ SOLDU के फाइनली एडमिशन स्टार्ट कब से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ चुका है 12th क्लास का, तो आपने अगर रिजल्ट चेकआउट नहीं करा अभी तक तो जाके पहले रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। SOLDU में एडमिशन लेने के लिए कोई आपको CU CET आपको बोल सकते हो, कोई एग्ज़ाम या कोई टेस्ट आपको नहीं देना पड़ता। और अगर आप इसमें एडमिशन कराना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ एडमिशन के लिए SOLDU आपको टोटली 5 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं जो ऑफर करता है आपको। सबसे पहले तो BA प्रोग्राम, उसके बाद बात करते हैं BA ऑनर्स, उसके बाद BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स इस्ट रहेंगे, और साथ ही साथ आपको BCOM ऑनर्स और BCOM प्रोग्राम, ये 5 टोटल कोर्सेज हैं जो SOLDU आपको ऑफर करता है ग्रेजुएशन में। अभी 5, 6, 5, 7 कोर्सेज हो रहे हैं जो नए आने वाले हैं SOLDU, उसको लाने की सोच रहा है अभी, उनको परमिशन नहीं मिली, मगर उसकी परमिशन भी इनको जल्दी मिल जाएगी, तो वो भी जैसी आएगी आपको मैं बता दूंगा। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है, मगर अब बात करते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा SOLDU के एडमिशन स्टार्ट कब से होंगे। तो देखो फाइनली SOLDU के एडमिशन जब 12th का रिजल्ट आ जाता है उसके एक महीना बाद होते हैं, एक्सपेक्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। SOLDU ऑफिशियल का कहना है कि आपके SOLDU के एडमिशन 15 अगस्त के बाद साइट पे आपको देखने को मिल सकते हैं, और SOLDU के जैसे ही एडमिशन चालू होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी अगर आप NCVM में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई गर्ल्स जो NCVM में एडमिशन लेना चाहती है, मतलब NCVM का होता है नॉन कॉलेज वुमेन, ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है वो कॉलेज, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट 25 जुलाई है, उसके एडमिशन चालू हो चुके हैं, उसके सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप SOL का वेट कर रहे हो, SOL के एडमिशन चालू कब से होंगे, तो आपको 15 अगस्त तक रुकना होगा, 15 अगस्त के बाद ही आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल एक्सप्लेन पे आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। बस चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल से कनेक्टेड रहना, और SOL के रिगार्डिंग सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे भी मिलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि SOL के एडमिशन एक्सपेक्टेड कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये SOLDU का ऑफिशियल का कहना है कि आपके एडमिशन 15 अगस्त के बाद से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, होंगे ज़रूर। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और एडमिशन कराना कैसे है वो भी बता देता हूँ। एडमिशन आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं, मतलब ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, आप कैसे भी करा सकते हो, आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ में देखो कोई भी ऐसे एलिजिबिलिटी नहीं है कि कितने 90% चाहिए, 80% चाहिए, बस सिंपल सा मोटिव होता है आपने 12th पास कर रखी हो, आपके कोई ER या फेल अपसेंट नहीं होना चाहिए, आपकी अगर 12th पास है, अच्छे नंबर हैं, पास हो बस आप, देन आप SOLDU में एडमिशन ले सकते हो। उसमें कोई भी आपको टेस्ट नहीं देना, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे नहीं रखा गया आप लोगों के लिए, SOL के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अगर मान लो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस भी मैं बता दूंगा जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे। SOL.DU.AC.IN साइट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, साइट पे चेक करते रहोगे तो SOLDU की नोटिफिकेशन जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। अब ये बात कर रहे थे कि फॉर्म की फीस कितनी लगती है SOL में एडमिशन कराने के लिए, तो देखो SOL में एडमिशन कराने के लिए 4,040 रुपये की फीस लगती है, जो आपके दोनों सेमेस्टर की होती है, Semester 1 और Semester 2, दोनों सेमेस्टर के मिला के 4,040 रुपये की फीस जाती है, जिसमें आपका एक ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, वो क्योंकि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो कोर्स के अकॉर्डिंग 3,750 या 3,950 ऐसे भी आपकी फीस लग सकती है, ठीक है, मगर मोस्टली 4,040 लगती है, तो मैंने आपको बताया जैसे BA प्रोग्राम वगैरह बड़े कोर्सेज की। और एक चीज़ और, अगर मान लो आप SOL में एडमिशन लेते हो तो 3-4 साल की जो ग्रेजुएशन होती है वो तो आपको पता ही होगा, इसमें अब से CBCS मोड कर दिया गया है, 2019 से इसको चेंज कर दिया था, पहले एनुअल था, अब CBCS से मतलब कि सेमेस्टर वाइज है, तो आपके टोटल 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर और 3 साल में 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर में आपकी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब SOLDU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मेरी बात सुनने के बाद, तो आप ले सकते हो, और जैसे फॉर्म आएंगे वेट करो, मैं बता दूंगा। अगर किसी का फिर भी SOL के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाता है, डाउट आ जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, अगर कुछ भी मेरे से क्वेरीज आप पूछ सकते हो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी के लिए तो नहीं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।